आई एम सिम बबन, यू आर वाचिंग स्टार स्कूप। भाभी जी घर पर हैं। काफी, जैसे कि हम लोगों ने आपको बताया था कि उनके 5 साल कंप्लीट हो गए हैं, तो अभी उनका फिर से शूट स्टार्ट हुआ है, रिज्यूम हुआ है शूट। तो अभी जैसे कि उनके शूट पे क्या चल रहा है वो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। उनके शूट पे ये चल रहा है कि BST टैक्स को लेके विभूति जी, चाचा जी, मामा जी और तिवारी जी चारों ही बहुत ज़्यादा घनघोर टेंशन में हैं, और ये अपनी टेंशन रिलीज करने के लिए बोल रहे हैं, अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, ये बहाना मार के कि हमें हो रही है गैस की प्रॉब्लम तो हम बाहर टहलने जा रहे हैं। बट एक्चुअली में ये सारे जा रहे हैं अंगूरी भाभी, अनीता भाभी और हेलेन से मिलने। अनीता भाभी से मिलने जा रहे हैं तिवारी जी, अंगूरी भाभी से मिलने जा रहे हैं विभूति, एंड हेलेन से मिलने जा रहे हैं दोनों चाचा जी और मामा जी। और इनका जैसे कि BST के टैक्स को लेकर बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है, तो उसके सोल्यूशन आपको तो अभी शूट लोकेशन के ऑन शूट को देख के ही पता चल जाएगा। सो लेट्स वॉच द क्लिप्स। लाठी जी, ये होल्ड होल्ड होल्ड, मुझे भी थोड़ी सी गैस की समस्या रहती है। अच्छा, गोले से बनते हैं? बड़े बड़े गोले बन जाते हैं पेट में। उन गोलों पर फिरा दीजिए आप रोलर। क्या खा लौटे तूने? कुछ नहीं। वैसे तिवारी जी, बाय द वे, आप इतनी रात गए यहाँ पर, एनी स्पेसिफिक रीजन? क्या हमारा पड़ोस है भाई, और इस तरह के सवाल आप हमसे क्या पूछ रहे हैं? एक्सक्यूज मी, तो आप भी मुझसे उस तरह के सवाल ना करें। बताओ, हमने आपसे इसलिए किया क्योंकि अक्सर आपको भाभी जी घर से बाहर निकाल देते हैं। जी नहीं, उन्होंने घर से बाहर नहीं निकाला, एंड मैं यहाँ पर वॉक करने आया। आई एम टेकिंग अ वॉक, ओके? मुझे गैस बन रही है। गैस तो हमें भी बन रही है। अरे वाह, कमाल की बात है, चारों को गैस बन रही है। अरे सेम पेंच। मैं बताऊँ, हमारी तो ये खानदानी समस्या है गैस की। हाँ, खानदानी समस्या है, बल्कि मैं कहूंगा कि हमें क्या बनती है गैस, जो हमारे बुजुर्गों को बना करती थी। ओ हो, अरे बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम सही कहा भाई। बुजुर्गों की बात ही कुछ और थी, क्या गैस बना करती थी। आजकल के लौटों को ऐसी गैस कहाँ बनती है भाई। हमारे पिताजी जब जो है गैस में होते थे, उनके पेट में इतनी गैस होती थी, और जब वो गैस छोड़ते थे, मोहल्ले के मोहल्ले जाग जाते थे, बैठ जाते थे, कहते थे भाई कहाँ बम फटा 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 फटा। वैसे जब हम 5 साल के थे तो हमारे घर में भी कुछ डकैत घुस गए थे। हमारे डोकर ने ऐसी गैस छोड़ी, सबसे वही धराशायी हो गए। अच्छा जी, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, बुजुर्गों में जो गैस बनती थी उसकी बात ही कुछ और है। सही बात है, आजकल के लौंडों में वो गैस कहाँ। लेकिन एक बात है, जब मैं इंडिया आता हूँ ना तो मुझे गैस बन जाती है। इंडिया आते क्यों आप? कैसी बातें कर रहे हैं आप? इंडिया मेरा घर है, क्यों नहीं आऊंगा? नहीं, लेकिन आपने तो कहा कि इंडिया आकर आपको गैस बनती है। इसलिए बनती है कि उल्टा सीधा खाते हैं ये उनमें से हैं कि जान जाए खराबी से, हाथ ना उठे रकाबी से। अरे ठीक है। वैसे तो इनको देखकर ही लगता है कि बहुत बड़े ढाबेबाज हैं, बहुत सारे ढाबों में उन्होंने मर चखा है। एक नंबर के खदेड़ू है, खदेड़ू। अच्छा भाई, मैं तो निकल रहा हूँ जागर नदी की तरफ, झाड़ियों में जा रहा हूँ मैं। चलो निकल, चलो निकल, 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 निकल। मैं यही टहल लेता हूँ।
हाँ सही है ना। और आ गए हाँ राजी क्या टोपो लगा था तुमने पहले आ गए अच्छा ये खानदानी प्रॉब्लम है नहीं नहीं यही अभी मुझे भी गैस की समस्या है। हाँ बाय उपाध्याय लाइट लो आगे रोहित भाई आपको उतरते मुझे भी थोड़ी सी गैस की समस्या रहती है। अच्छा गोले से बनते हैं? बड़े बड़े गोले बन जाते हैं पेट में। उन गोलों को फैला दीजिए आप रोलर। क्या कहा लौटे तूने? कुछ नहीं बस तिवारी जी बाय द वे आप इतनी रात गए यहाँ पर यानी स्पेसिफिक रीजन क्या? हमारा पड़ोस है भाई तो और इस तरह के सवाल आप हमसे क्या पूछ रहे हैं? एक्सक्यूज मी तो आप भी मुझसे उस तरह के सवाल ना वो तो हमने आपसे इसलिए किया क्योंकि अक्सर आपको भाभी जी घर से बाहर निकाल देती हैं। जी नहीं उन्होंने घर से बाहर नहीं निकाला है एंड मैं यहाँ पर वॉक करने आया हूँ। आई एम टेकिंग अ वॉक ओके। मुझे गैस बन रही है। गैस तो हमें भी बन रही है। अरे वाह कमाल की बात है चारों को गैस बन रही है। अरे सेम पिंच मैं बताऊँ हमारी तो ये खानदानी समस्या है गैस की। हाँ खानदानी समस्या है बल्कि मैं कहूंगा कि ये हमें क्या बनती है गैस जो हमारे बुजुर्गों को बना करती थी। ओहो अरे बिल्कुल सही कहा एकदम सही कहा भाई बुजुर्गों की बात ही कुछ और थी। क्या गैस बना करती थी आजकल के लौंडों को ऐसी गैस कहाँ बनती है भाई। हमारे पिताजी जब जो है गैस में होते थे उनके पेट में इतनी गैस होती थी और जब वो गैस छोड़ते थे मोहल्ले के मोहल्ले जाग जाते थे बैठ जाते थे कहते थे भाई कहाँ बम फटा 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 वैसे जब हम 5 साल के थे तो हमारे घर में भी कुछ डकैत घुस गए थे। हमारे टोकर ने ऐसी गैस छोड़ के सबसे एकदम वही धराशाही ही हो गए। अच्छा जी मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना बुजुर्गों में जो गैस बनती थी उसकी बात ही कुछ और है। सही बात है आजकल के लौंडों में वो गैस कहाँ। लेकिन एक बात है जब मैं इंडिया आता हूँ ना तो मुझे गैस बन जाती है। इंडिया आने क्यों हाँ कैसी बातें कर रहे हैं आप है? इंडिया मेरा घर है क्यों नहीं आऊंगा? नहीं लेकिन आपने तो कहा कि इंडिया आकर आपको गैस बनती है इसलिए बनती है क्योंकि उल्टा सीधा खाते हैं ये उनमें से है कि जान जाए खराबी से हाथ ना उठे रकाबी से। अरे ठीक है वैसे तो इनको देखकर ही लगता है कि बहुत बड़े ढाबेबाज हैं। बहुत सारे ढाबों में उन्होंने माल चखा है। एक नंबर के खदेड़ू हैं खदेड़ू। अच्छा भाई मैं तो निकल रहा हूँ जागर घाटी की तरफ झाड़ियों में जा रहा हूँ। मैं लोटा तो लेके नहीं जा रही है। भाई मैं निकल रहा हूँ फिर झगड़ कटी की झाड़ी हूँ ठीक है। लोटा तो लेके इट्स नॉट फनी मैं वॉक करने जा रहा हूँ। वॉक
और मैं जरा सोच रहा हूँ कि अफीम कोठी का एक राउंड लगा के आऊं, सुबह सुबह देखूं जरा क्या है। और तू कहां जा रहा है? सुबह सुबह निकाल दीजिए बनाने जी, ताकि मैं जरा एक्शन। और मैं सोच रहा हूँ जरा एक अफीम कोठी का राउंड मार के आऊं, देखूं क्या हो रहा है वहां। और तू कहां जा रहा है भाई? मैं गंदे नाले की तरफ जा रहा हूँ, वो भी धो लीजिएगा वहां पे। चलो निकल, चलो दरवाजा होने के बावजूद भी आप ऐसे खिड़की से कूद के निकल रहे हैं, इससे क्या खास वजह हो सकती है? इसकी खास वजह यह है कि हम जो है वो भाभी जी से मिलने जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से GST टैक्स लगा है उस तरह से जो है वो BST टैक्स लग गया है। मतलब भाभी जी से मिलने पर भी एक टैक्स लगा दिया गवर्नमेंट ने कि जितने भी छिछोरे हैं वो भाभियों से बात नहीं करेंगे, नहीं तो टैक्स लगेगा। और तिवारी जी, इन सबको देख के आपके मन में क्या रिएक्शन क्या रहता है? ये भी साथ में निकले हैं आपके? नहीं, तिवारी तो मैं खुद ही हूँ, वो अपना भभूति जी और चाचा भूरे भूरे जी और चाचा जी इकट्ठे निकलते हैं, तो इनके प्लान की ऐसी की तैसी हो गई। एक्चुअली सब एक प्लानिंग के तहत आए हैं, सबको ये है कि ये नहीं मिलेंगे, मैं अकेला हूँ, लेकिन जैसे ही कूदते देखते ये है, फिर देखते अरे ये भी है, अबे ये भी है, तो मतलब यहाँ सबके प्लान्स चौपट हो गए। अब अचानक जिस प्लान के साथ आए थे वो प्लान ऐसा हो गया कि चलो फिर अपना पेट ही साफ कर लेते हैं। तो फिर आपको अब सच में वो नाले के पास जाना पड़ेगा बिना बात के ही, मतलब बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से। तो अब कैसे मिलेगा भाभी जी से? अब वो धीरे धीरे ऐसी प्लानिंग करेंगे, लेकिन बीच बीच में क्या हो रहा है, बड़ी हर्डल्स आएंगी बीच में। एक तो वो TCO ऑफिस जो है BST वाला, वो बार बार वॉच कर रहा है, उसने जगह जगह कैमरे लगा दिए हैं, कुछ अदृश्य उसके लोग घूम रहे छिछोरों को पकड़ने के लिए। इट्स अ वेरी कॉमिक वो है पूरा, लेकिन बहुत साइलेंस में कॉमेडी है। जैसे आपने देखा कूदा, फिर वो कूदा, फिर वो आया, फिर वो आया, और देखा कि अरे ये तो तीनों साले खड़े हैं। तो इट्स लाइक दैट। ऐसी और मजेदार, शानदार और चटपटी खबरों के लिए देखते रहिए देश ऑनलाइन। हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले, ताकि आप अपडेट रहे हमारे नई वीडियो से।